जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूँ आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है और बेरा हवे हाँ छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा में चर्चा के। मुद्दा ये है कि काबर अतका अपराध और ठगी के मामला बढ़त है। साइबर ठगी आज के नवा तरीका है जमा कहूँ आपके मोबाइल के माध्यम ले या कोनो झांसा दे के आपसे पैसा ले जाते फोन पे के माध्यम से ओटीपी मला के केसों करके। कतको जन एकर सावधानी ला समझे नहीं तेकर सेती कतको घाव ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाते। मोरेज कना व्हाट्सएप में कतको बेर अनजान नंबर ले मैसेज आते कि यूट्यूब लिंक ल खोल के लाइक कराओ, 50 रुपया तुरते पावो। लेकिन 50 रुपया के चक्कर में 50,000 या 50 लाख लूटे के प्लान रही थे। एकर सेती आप ला सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो हमन आप ला कुछ घटना बतातन जो हाल के हुए हवे। बलरामपुर में लोन पास करे के नाम में 35 लाख रुपया के ठगी हो गए। 14 जुलाई के शक्ति के बाराद्वार में वर्क फ्रॉम होम के नाम में 18 लाख के ठगी हुए है। जेकले ठगी हुए हमारे संग बैठने वाला है, बताही कि कैसे ठगी करते हैं। ऑनलाइन ठगी है पूरा 18 लाख रुपया। 11 जुलाई के पेंड्रा में स्वास्थ्य विभाग के माली संग ऑनलाइन ठगी हो गए। 11 ही जुलाई के भाटापारा में डॉलर दे के नाम में 12 लाख के ठगी हो गए है। बिलासपुर सरकंडा में इंजीनियर ला बिहाव के झांसा दे के 1 करोड़ रुपया ला ठग दी, यानी कि लड़की की आवाज बात करते रही से और 1 करोड़ रुपया ठग लिए सोकर से। दंतेवाड़ा में कस्टमर केयर के नाम में 86,000 के ठगी हुए है। 8 जुलाई के बिलासपुर में पूजा पाठ के नाम में महिला ले 36 लाख रुपया के ठगी हुए है। केस के तुम्हारे स्वास्थ्य खराब रही थे, मैं पूजा पाठ करूं और ते बने हो जावे, इसके 36 लाख रुपया ठग ले। शेयर मार्केट ले पैसा दिवाए के नाम में 87 लाख ले ज्यादा की ठगी हुई है। दुर्ग में पैसा दोगुना करे के नाम में 12 लाख के ठगी हुई है। तो ये ठगी के अलग अलग मामला आप ला बताते हैं जो ज्यादातर साइबर अपराध ले जुड़े हवे। यानी आप ला सावधान रहना बहुत जरूरी है। कतको बेर तो हमन लालच के चक्कर में बुड़ जाथन। तो ये हो गए आप आज के जितका भी खबर रही सब है ठगी के ऑनलाइन के। ये तो कुछ उदाहरण है हाल के कुछ 10-12 दिन के, लेकिन एकर ले बड़े बड़े अपराध घलो होते। तेकर से थी आज आपला जागरूक करे पर चर्चा करते हैं। पहुना मन हमारे संग में जुड़ गए हवे नीरज चंद्राकर जी, एएसपी है बिलासपुर के, स्वागत जोहार आपला। योगेश राठौर जी, साइबर ठगी के पीड़ित शक्ति ले हमारे संग में जुड़े हैं बाराद्वार ले, जिन अभी मैं घटना ला बताए हूँ। लेकिन सबले पहले मैं योगेश ले ही गोड़ बात कर लेता हूँ। योगेश आपला कैसे झांसा मलिन है और कैसे ठगी हो है आप सब? मैम मैंने पहले 29 तारीख को क्या बोलते मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा दैनिक भास्कर के एड में। उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया था उसमें। तो 30 तारीख को उन्होंने बोला कि वेटिंग फॉर सिलेक्शन करके, उसके बाद सिलेक्शन हो गया। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट मांगा जितना था वो सब चीज मैंने सेंड कर दिया उनको डॉक्यूमेंट। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फीस लगेगा 1550 रुपये, 1550 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। फिर उन्होंने बात किया इतना, फिर बोला कि खाली आप एचआर डिपार्टमेंट के सर बड़े से बात कीजिए। उनका नंबर दिया, उन्होंने फोन किया मुझे, फिर बोले कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने पूरा मेरे को अपने कंपनी के बारे में एक बताया। उन्होंने फिर मुझे बात करते गया कि इंश्योरेंस में आपको हमारी तरफ से टीम है जो एक लैपटॉप और मोबाइल जितना डाटा है सब नेटवर्क है वो सब आपको लेके जाएंगे और देंगे आपको, और आपको ट्रेनिंग देंगे आपको 2 घंटे के लिए। देन उसके बाद ऐसे ऐसे वर्क बताए। उसके 9,950 रुपये आपको उसका इंश्योरेंस पेड करना पड़ेगा बोलकर, फिर ऐसे करते करते मुझसे पैसा ले लिया उन्होंने 1,86,481 रुपये करके। तो योगेश जब पहली घाव पैसा लिस था आपने समझ में नहीं आई इसके ठगी होते या का सोचे हो आप मन का सोचे हो कि नौकरी मिल जाए ये सोचे? हाँ मैम ऐसे ही सोचा था क्योंकि पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देखा तो मैंने सोचा कि पेपर का एडवर्टाइजमेंट गलत नहीं होता बोलकर, और इसी के थ्रू मैंने उसमें एडवर्टाइज में अप्लाई कर दिया। ठीक है। नीरज चंद्राकर जी हमारे संग में जुड़े हैं। नीरज जी एक तो पीड़ित है ठगी के तेकर अब हम सुना था ना आप बीते होकर, लेकिन सवाल में ये करना चाहता हूँ कि कैसन कैसन साइबर अपराध होते, कैसे या तो लालच के चक्कर में है या फंस जाते लोगन समझदारी नहीं हो गए, का चीज के आप यहाँ मुख्य कारण का मानते हो? अगर मुख्य कारण देखा जाए कि साइबर फ्रॉड काबर होते कौन करते दोनों चीज अगर देख बे ना तो अपन आप क्लियर हो जाते कि बहुत अगर देखे हो कि साइबर फ्रॉड करने वाला 5वीं पढ़े 7वीं पढ़े या 8वीं पढ़े 10वीं पढ़े
और जेकर साइबर फ्रॉड करा थे वो कोई आईआईटी इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई बड़े पद में है, ओकर मन से भी फ्रॉड हो जाते। एक एक बात कारण ये है कि हम जो है सफलता के लिए शॉर्टकट या लालच, ये दो ही चीज है जेकर लिए हमें लगते कि हाँ भाई चलो कोई आदमी हमला ऑफर कर रहा थे कि चल तो नौकरी मिल जाएगी या 5,000 दे दे दे, मैं तो 50,000 करके दे दूं। सीधा सीधा बात एक ही चीज सोचना चाहिए हर कोई ला कि इतना बड़े को कोई शुभचिंतक नहीं हो सके कि मैं 5,000 दूंगा कल मुला 50,000 दे दी। अगर आदमी अगर मन में बात कर रख ले ना कि कोई इतना बड़े कोई शुभचिंतक कैसे हो सकते, मोला सुविधा देने वाला ऐसे कैसे हो सकते, मोला कोई बैंक से कहा था कि ऐसे ऐसे कर दे मैं तो भाई ये बार इतना बड़े फायदा दिला दूं, अपन आप में समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। विज्ञापन अगर आते जैसे योगेश जी मैं सुना रहे कहा नौकरी पर विज्ञापन है तो मैं कहूँ पेपर में आए, तो पेपर में तो ऐसे कि जो भी जाके कोई पेपर में देश की भाई ये हमारे संस्था है हम ये चीज कर रहे थे कागज देश ऊपर बाद हाथ पे मत दे देते, ऐसा चीज पर सब पढ़े लिखे आदमी मतलब मोर सलाह ये चीज है कि ये चीज है तस्दीक करने, तस्दीक करने के बहुत अकन साधन है, रोजगार के कोई भी अवसर आए उसके बारे में आप पर्याप्त पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपसे आपके फोन मांगा थे फोन नंबर मांगा थे ओटीपी नंबर मांगा थे केवाईसी अपडेट के जानकारी मांगा था, ऐसा नहीं बहुत अच्छी चीज है। अब तो खैर केवाईसी ओटीपी वाला बात तो बहुत मतलब पुराना बात हो गया, अब तो नया नया तरीका से सिर्फ वो साइबर फ्रॉड वाला अपन आदमी के इच्छा ला समझाते कि ते का चाहता था और वो वही चीज ला देख के वो माना आगे बढ़ते कि तो इच्छा ला समझते कि ते बहुत जल्दी सफलता चाहता था कि नौकरी चाहता था कि लोन चाहता था, वो चीज समझ के तो लोग अपन फेरा में ले लेते, एक प्रकार से वो नया नया तरीका से फ्रॉड कर रहे थे और आदमी की प्रवृत्ति समझ के ऐसा चीज कर रहे थे। मतलब ये है कि योगेश जिन चक्कर में फंसे हैं वो यही एक है कि योगेश आपसे बात करे के मकसद ये है कि जैसे आप बाद में चेते हो फिर जाके पुलिस में शिकायत करे हो, तो मैं ये समझना आपसे चाहता हूँ ताकि आपके माध्यम से बाकी लोगन भी जागरूक हो पाए। जब आपसे बात करत रहे सोमन तो कैसे बात करत रही इन्हें का झांसा वाले की कोशिश रही से या दबाव बनात रही से कैसे का वो समय का लगत रही से आप बात करे ओमन तो उस टाइम तो पता नहीं चला था कि उन लोग लगा कि मुझे सही में ही है नौकरी करके, उनकी बातों से मुझे ऐसे ही लगा। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने पैसा के डिमांड करते गया आगे बढ़ते गया, फिर बाद में बोला कि लास्ट में मैंने जब भी पूछता था तो बोलते थे कि ये लास्ट पेमेंट है बोलकर। फिर एक बार पापा और मैं थे जब घर पे तो उस टाइम उनका फोन आया तो उन्होंने बोला एनओसी के लिए आपको पैड करना है 38,000 रुपये, उसके जस्ट पहले ही हमने जीएसटी का पैड किया, उन्होंने बोला कि जीएसटी का 24,000 कुछ समथिंग है उसको पेड कीजिए, तो उसको पैड कर दिया था हमने। और उसके बाद बोला कि एनओसी का आपको पैड करना पड़ेगा तुरंत तत्काल अभी 1 मिनट के अंदर में, तो बोला कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है जिसको हम पैड नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला कि आपका फाइल को हम दबा दे रहे हैं, बोले फिर आपका पैसा भी नहीं मिलेगा और फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते बोलकर। ओकर बाद जी क्या जी करे हो आप? उसके बाद मैंने जस्ट फिर दोपहर टाइम पे ऐसे साइबर के लिए शक्ति निकला तो वहां ऐसे ऐसे बताया, तो भैया ने बोला कि इसमें का जितना पैसा हो तो सब विड्रॉल हो चुका है, खाली 6,000 समथिंग है वो खाता में होल्ड कर दिया गया बोलकर। ठीक है, फिर उसके अगले मैं नीरज उसके जी का बाद ना पूछ लेता हूँ। नीरज जी जब इस हाँ, योगेश बोला। उसके बाद फिर मैंने थाना में गया तो थाना में जो टीआई साहब है उन्होंने मुझे बोला था कि इसके लिए एफआईआर तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने नजदीकी अपने क्षेत्र के जो पूर्व विधायक थे खिलावन साहू जी उनसे बात करके मैंने एसपी मैम को बोला कि बात कीजिए और ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने एसपी मैम से बात करके ही एफआईआर का लिखवाया था। ठीक है, चलो तब नीरज जी ऐसा मामला में आप का देखते हो, ये तो एक उदाहरण है लेकिन जिन मूल कारण आप बताए हो कि झांसा में ले लेना या का चाहते मनखे ओकर इच्छा ला उमन जान जाते स्कैन कर लेते ओकर बाद ओकर मुताबिक करते, तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि का ऐसे झांसा है जिन साइबर अपराध में आते का नहीं करना चाहिए लोगन ला, कहाँ सावधान रहना चाहिए? देखो एक तो बहुत अकन तरीका मन अपनाते जे तरीका हम सोचन की ये तरीका ही बस अब अपना ही हमें सजग रहो, वो तरीका छोड़ के कई कई प्रकार के तरीका से उमर करते हैं। जैसे पहली मांगे कि केवाईसी अपडेट करना है आपके जानकारी दो, फिर ओटीपी मांगना शुरू हुए, अभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो डिलीवरी बॉय जब निकल जाते थे डिलीवरी बॉय निकल के फिर ओटीपी मांगते, भाई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो सीधे सीधी बात है, दो ही प्रकार से अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते या तो पहले पैसा पटा देते हो या फिर सामान जब मिलते तो पैसा पटा दो, तो जब पहले पैसा पटा चुके हो तो फिर कोई चीज जानकारी फिर से देके जरूरत नहीं है,
अगर ओकर बाद में फिर तो पास सामान आते तब से वो लोग जो भी चीज जानकारी मांगते थे उस समय वाला दे डिलीवरी बॉय फोन से पूछते कि भाई तो ओटीपी दे दे, हमें लगते कि नहीं नहीं हमारा सामान रुक देगा ये तो नहीं आ पाएगा, हम अपन ओटीपी दे देते नौला ओकर से भी बड़ा मतलब कुल मिला के हम लोग जागरूक होने की जरूरत है चीज में कि कोई भी आदमी जैसे योगेश अभी कहा था कि बोला पहले नौकरी पर पैसा मांगे फिर बाद में और बार बार मांगा गेस्ट, एक ही चीज योगेश समझ जाती तो हो जाती है कि कोई भी इसे नौकरी वाला कैसे देती है और पैसा लेके नौकरी देने वाला कौन से प्रावधान हर जगह में, चाहे शासन के हो चाहे वो प्राइवेट कोई संस्था में भी हो, नौकरी देने कोई पैसा लेके बात तो है नहीं, नौकरी तो ऐसे होते हैं कि भाई मोरे यहाँ काम है तो मैं नौकरी में रखा था, जैसे इंटरव्यू होते परीक्षा होती ये एक प्रक्रिया होती है ना, कोई पैसा पहले से कैसे मांग सकते हैं, और पैसा मांगा थे तो थोड़ा अगर लगी शक लगी तो जाके पुलिस के पास पूछना नहीं से कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है एक नौकरी लगने के बाद चला थे तुम्हें पैसा के मांग चला थे, मतलब क्या करना चाहिए, पुलिस हमेशा तैयार है, अगर कोई थानेदार नहीं सुना थे तो वरिष्ठ अधिकारी मन रही है वहां पे आराम से बात से पूछ सकते रहे हो, तो जो भी चीज ऐसा कोई भी करके अगर स्थिति बनते जो फ्रॉड बहुत है बहुत अगर तरीका है आजकल के लिए जैसे लड़का मान लो परीक्षा में पास करा दे वो कहीं के फ्रॉड होते ऑनलाइन शॉपिंग के समय बता ही दे हूँ, बहुत अकन लिंक भेजते बहुत अकन ऐप आजकल लड़का मान जैसे हो या हमन भी बहुत अकन ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऊपर भी लिंक आते हैं कि ये वाला लिंक आप उसमें ऐप डाउनलोड कर लीजिए आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो ये सब चीज मन में मैं है, जैसे अभी साइबर के पाठशाला पुलिस अधीक्षक महोदय चलवा थे यहाँ पे बिलासपुर में हर जगह जाता हूँ तो मैं यही चीज पूछता हूँ जब भी तोर से कोई ऐसा कुछ पूछे तो एक ही प्रश्न पूछना चाहिए अपन आपसे क्यों, अगर कोई कहा थे कि अपन केवाईसी दे दे क्यों, ओटीपी नंबर दे दे क्यों, आपका ये बच्चा यहाँ पे अरेस्ट हो गया है मैं लड़का तो गिरफ्तार कर ले, तो वो लड़का अगर गिरफ्तार कर ले आजकल एक तो बहुत बड़े चला थे कि तो लड़का वहां पे गिरफ्तार हो गए, लड़का से बात कर लो, लड़का से हो सकता है फोन में बात नहीं हो सकती उस समय लड़का कोई कोचिंग में कुछ भी, पेरेंट्स डर जाते कि हमारे लड़का सही में अरेस्ट कर लेगा फिर पुलिस के कॉल आ जाते पुलिस बन के कोई कॉल कर उस समय में, और दूसरा तरीका से तस्दीक कर लो अपन लड़का के जेकर घर में रही के पढ़ते ऊपर से पूछ लो कि भाई हमारे लड़का सुरक्षित है कि नहीं, तो सब चीज में जागरूक हो गए, और यही चीज कहना है कि अपन पुलिस के पास जाओ पुलिस के पास में ये बात रखो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से अच्छा सलाह मिली और बाद ये अपन के काम, हाँ हर बात के लिए आप नहीं जा सको ये भी मैं समझता हूँ कि ऐसे लगते हैं छोटे छोटे चीज बताओ जाए, लेकिन जहां पे आपके पैसा के बात बात आते बड़े बड़े आपके हाँ। पैसा ट्रांजेक्शन तो उन्हें आप मतलब जरूर पुलिस की सहायता लेना चाहिए। बिल्कुल, काबर के अभी हम देखत रहे 1 करोड़ के ठगी इंजीनियर ले नीरज जी, मतलब बिहाव के झांसा दीस और 1 करोड़ रुपया ठग दरीस, तो ऐसे ऐसे कौन से मतलब का एकर बार पुलिस ला कोई कैंपेन भी चलाना चाहिए कि सोशल पुलिसिंग लग के मोहल्ला में या कोई सेमिनार हो गए जेकर ले लोगन, हालांकि ये कार्यक्रम के उद्देश्य भी ही है कि लोगन समझे, लेकिन पुलिस के का जिम्मेदारी होना चाहिए ये सब मामला में। यही मैं कहा था जैसे हम हर स्कूल कॉलेज में जाकर लोगों ने जब बता दिया, और ये कहना कि जैसे ये 1 करोड़ रुपए ठगी हो जो बिलासपुर में वो अननोन कॉल नंबर एक महिला बन के कोई बात कर रहे थे, एक सामान्य से व्यक्ति भी अगर मोर घर में भी कोई रिश्तेदार नहीं मुझसे पैसा मांगे तो मैं 10 बार पूछता हूँ कि कब पैसा लौटावे का करवे कैसे करवे, पैसा जैसे पहले हम पैसा सुरक्षा पर सोचते हैं ना हमारे भाई मिली कि नहीं मिले वापस आए कि नहीं आए, एक फोन में वो महिला से अगर कोई मुलाकात नहीं हुआ सिर्फ फोन में बात होते उगर प्रति वो जैसे वो महिला कहा जाते कि भाई मैं यहाँ हूँ इतना पैसा डाल दो पैसा दे दे, फिर कोई अधिकारी के बन के फिर फोन से पैसा डालो इसको पैसा डाल दे, ऐसे गलत कर 1 करोड़ 30 लाख रुपया सिर्फ फोन में सुन के उगर से ना कोई मुलाकात है ना कुछ भी चीज, ये तो समझ लो कि जो महिला से बात होती है लगातार पैसा मांग रहे का ऐसे कर रहे हैं, अगर पुलिस में शुरू स्टेज में ही बताते तो इतना बड़े ठगी और संग में नहीं होती, मुझे यही कहना है कि आप खुद से समझ लो कि एक महिला है आपसे फोन में बात करी अपन फोटो भेजी उसके बाद आप उगर लिए 1 करोड़ से ऊपर पैसा आपसे जुबान में आप मन वाला पैसा देकर तैयार हो, तो ऐसा चीज से अपन पैसा की सुरक्षा करे वक्त आप मन थोड़ा सब लोग कोई सजग होने की जरूरत है, कोई भी इतना बड़े शुभचिंतक नहीं है, कोई वो नहीं है कि आपसे मतलब आप हमेशा पैसा दे जाए या जो भी चीज आप मन की इच्छा पूरा कर जाए, और रिश्ता में अगर आप लड़की संग में जुड़त रहे हो बोला लड़की माने के भी मैं शादी करूँ जो भी चीज सोचे भी एक बार को परिवारजन से मिलना ऊपर से खुद डायरेक्ट मिले की कोशिश भी करते तो पता चलता है तो है ही नहीं कोई लड़का आवाज बदल के बात करे, तो ऐसा चीज मन में सजग होकर जरूरत है कि युवा मन पर खास करो, युवा मन पास बहुत ऐसा फोन आते रहते हैं बहुत अकनों में सोशल साइट में भी रहते हैं सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक में उन्हें ऐसा चीज बहुत अकन होते हैं, ये चीज से बचे के सब जरूरत है। बिल्कुल, अच्छा योगेश ने मैं एक घाव पूछ लेता हूँ, योगेश अब तो आरोपी पकड़ा गए हैं, अब देखो एक बात तो समझ में आते है कि अब रिकवरी पर पुलिस जितना कोशिश कर सकते थे वो कोशिश कर ही, 1000 जो जो जानकारी आए कि 1000 ऐसे लोगों ने ठगी करे है जैसे तुहर संग हुए है, तो आप ला का लगते है आप का सोचत हो, आप थोकिन लापरवाही तो आपके भी है, अब आप का उम्मीद करत हो आगे?
आगे अब जो पुलिस जो बताएगी वही अब हो सकता है। का चाहत हो आप मन, कतका रुपया गवा गे है? टोटल 186,481 रुपए। 1,86,481 रुपए। अब का करते हो आप मन, परिवार कैसा है आपके? परिवार में हम ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा है, दो भाई हैं। ठीक, तो ये पूरा घटना से आप का सीखे हो योगेश? चार झल्ला ओ बताहू आपके, ऐसे सब चक्कर में नहीं फंसना हाँ है कि के? जी मैम, जी मैम। अब कोई भी पैसा मांगता है उससे पहले पूछना है क्या चीज के लिए है, और ऐसा क्या चीज है जिसके लिए आप पैसा मांग रहे हो मुझसे। ये पहले अब सबक मिल गया मुझे कि अब किसी को पैसा नहीं देना है बोलकर। बिल्कुल ठीक। तो ये एक चीज सीखी से, एक तो घटना ले, एक दूसर नीरज जिला भी सुनिश्चित से योगेश ला समझ में आए हो ही कुछ कुछ चीज। हालांकि हम ये देखते नीरज जी, जब जो पैसा गंवा गए हैं, अब 1 करोड़ चल दिस नीरज के, एक करीब करीब 2 लाख रुपया चल दिस, तो ये रिकवरी हो पाते कि नहीं हो पाए? कुछ मामला मा पुलिस कतका सहायता कर सकते हो करमन के जो आर्थिक नुकसान हुआ थे तेकर बर? तृप्ति जी, मैं आप मन के चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह साहब यही सब चीज मतलब जो समझिस ना कि आदमी बुजुर्ग व्यक्ति जो रिटायरमेंट के आदमी है ऊपर पैसा पड़े हुए खाता में बेचारा बुरा जीवन भर के मेहनत के पैसा है ऊपर ठगी हो जाते, युवा वर्ग मन के ठगी हो जाते, पढ़ाई करने वाला लड़का मन के ठगी हो जाते। ये सब चीजें देखते हुए चेतना अभियान एक शुरू करी, उसमें यही है कि स्कूल में कॉलेज में जाके बाकी जैसे ऑटो वाला मन भी ओला कर मन भी फोन पे यूज करते और यूपीआई से पेमेंट करते, तो ऐसा सब चीज मतलब जगाए पर वो एक अभियान शुरू करे। बहुत ही अच्छा अभियान एक चला था जब मैं हमारे स्कूल स्कूल कॉलेज कॉलेज में जाता था, एक एक चीज मतलब लड़का मन बताता था ताकि पेरेंट्स मन भी ये चीजें सुन सके और लड़का मन भी समझ सके। तो मोर ये कहना है कि आप मन चैनल के माध्यम से बताऊं कि अगर आप मन से ठगी का ग्रोस होते खोते का कि जैसे ठगी हुई समर्थन में हम 1-2 दिन तक अपन दोस्त यार मन से बात करथन, घर वाला मन से बात करथन, पुलिस में जान कि नहीं जान सोचत रहथन, फिर ऐसे भी हो सकते का ये पैसा मिल सकते का हो सकते गलत हो, ये सब सोचे की जरूरत नहीं। जैसे मान लो एक तो पहली बात तो ऐसे कोशिश करें कि हम ठगी शिकार मत हो, कि दोनों कोई भी लिंक विंक ओपन करना कोई भी चीज जानकारी मांगे ऐसा चीज से बचना चाहिए। अगर लेकिन धोखा से कभी कभी भी नया तरीका रहते तो वो तरीका से शिकार अगर हो भी गए तो सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस में आजकल टोल फ्री नंबर भी है, 1039 नंबर भी है, तो मतलब जो टोल फ्री नंबर है वो टोल फ्री नंबर में कॉल कॉल करे आदमी, और अगर उनमें से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाते कई बार टेक्निकल दिक्कत आती है, पुलिस थाना नियरेस्ट पुलिस थाना है वहां जाए कि भाई मोर से ऐसे ऐसा बात हो गए और बोला भाई मैं चीज मदद करो। तो जो पैसा अगर जाए तुरंत अगर पैसा जाते तो वो अकाउंट में कई बार कहते हैं कि ओला जो फ्रॉड करने वाला है वो टुकड़ा टुकड़ा में कहीं कहीं खर्चा कर देते, कोई ना कोई सामान लेना ये करना उसका काम रहते, बोला वही रूप में खर्चा करते। अगर तुरंत सूचना मिल जाता पुलिस का तो वो पैसा ला हम जो जो वॉलेट में जाकर रहते वो पैसा ला हम रुकवा देते, कम से कम वो जितना पैसा रुक देते। अभी जैसे मैं जो 1 करोड़ से ऊपर जो ठगी हुआ है हमारे यहाँ काफी बड़े मात्रा में रकम के ऊपर रिकवरी होना होगी, तो इनमें एक ही चीज है कि कितना जल्दी आप मन पुलिस ला एक चीज में सूचना दे दो, पुलिस जैसे ही अगर सूचना मिलते तो आप मन के पैसा वापस होने के चांस बहुत ज्यादा रहते, ये चीज में जागरूक होने जरूरत है समय। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे पैसा आपसे मांगी से और तुरते पुलिस तो पता चल दे तो खाता फ्रीज हो जाई और बेरा हो नहक जाही तानो तो खर्चा करवेज करी एकर सती पैसा मांगे हो हाँ। तब ये समझना लोगन ला बहुत जरूरी है। एक और सवाल छोटे से आपसे नीरज जी मैं करना चाहूँ कि आजकल AI टेक्निक आगे है और ये AI टेक्निक कतका बड़े चुनौती है कबर के आवाज बदल के रिश्तेदार के आवाज हो सकत है? कल को नीरज जी आप ही के आवाज बना करके मोलाई फोन कर दे AI के जो शातिर ठग बन है, तो का ऐसे से कैसे बच जाही, कैसे हम ये चुनौती ला देखबो आज के बेरा में? एक बार एक ही चीज कहा था जैसे मान लो के AI तकनीक के कोई उपयोग करके मोर कॉल नंबर दिखत भी तो ला मोर कॉल आवाज भी आते, कॉल करो जब भी मोर मोबाइल नंबर पे आप कॉल करो, अगर आप मोबाइल नंबर कैसे पता कर लो ऑथेंटिक नंबर तो मिले जी पुलिस वाला हो, अगर नहीं देख पाते कोई अननोन नंबर आए तो अननोन नंबर में वैसे भी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई परिचित है तो परिचित के नंबर कहीं ना कहीं हमारे पास रहते हैं, वो नंबर पे कॉल करके देखो पता चल जाएगी एक्चुअल में कि हाँ वो नंबर से तो आया कि नहीं, जिससे दूसरा नंबर होना AI के थ्रू ऐसा बनाया गया जिससे। दूसरा चीज ककरो अगर आवाज के थ्रू अपना लगते कि नहीं ये मतलब मांगा थे कोई भाई
नीलम चंद्रा कर अगर आप मैंने मांगा थे तृप्ति जी पैसा मांगा थे तो काबर मांगे, सीधी सी बात है। अगर मोर कोई लेनदारी देनदारी नहीं तो पैसा मांगू मैं कोई चीज में, अगर नहीं है मोर आपन के बीच में लेनदारी तो पैसा मांगे सवाल नहीं। मैं कहा था कि मोला जरूरत है, मैं बहुत पीड़ित हूँ, तो बोला पता कर लो क्या वाकई में कोई पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति तो रही तो पास सामने खुद आ जाए ना, मोबाइल पे थोड़ी बात करी, बताइए कि मोरे पास तो ही बहुत जरूरत है मोला पैसा के। तो हर चीज में थोड़ा सा शक के निगाह से देखना जरूरी है, फेसबुक में मदद करना बिकट अच्छी हुए बात, ना ये सब आईडी बना बना मदद के। कर वही तो मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपन आप लोग खुद ठगी के शिकार करना ठीक बात नहीं है। देखा सकते कि उन्होंने की मदद करो, लेकिन पहले जान बूझ लो, जान देख लो कि हाँ सही बात है और वाकई में मदद की जरूरत है, तब वो लोग मदद करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एक और सवाल है नीरज जी, ये कि जो साइबर क्राइम होते ओकर बर कानून में का प्रावधान है? साइबर थाना के हम सुनत रहथन चर्चा, साइबर थाना बने खुले है, एकर आगे जतका मात्रा में साइबर अपराध के दायरा बढ़त है ओकर बर पुलिस कतका तैयार है? मोर देखो साइबर में लगातार हम लोग के ट्रेनिंग होते रहते, साइबर ब्रांच साइबर जगह खुले हुए हैं, साइबर में बहुत सारा अच्छा अधिकारी मन के नियुक्ति करके रखे हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि आप साइबर थाना में ही जाओ, अगर कोई थाना एरिया में आप रहते हो, आपके साथ में ठगी हो गए, आप फ्रॉड के शिकार हो गए हो, आप तुरंत में वो थाना में ही जाओ, थाना में बताओ, थाना वाला मैंने साइबर एक्सपर्ट मन से मदद दे, लेकिन तुरंत जो मदद करना वो पुलिस कोई भी थाना कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं साइबर थाना कहाँ खोजूं, मोर यहाँ तो साइबर थाना बहुत अच्छा से नहीं है, कोनो चिन्हो नहीं पहचानो नहीं, जो पुलिस वाला मन से आपके पहचान है उसके माध्यम से भी आप फोन करके वो चीज में कर सकते हो। जितना जल्दी आप मन है ये चीज पुलिस के पास सूचना मिला हो, आपके पैसा वापस होने के चांस उतने ज्यादा रहे। तो मोर सबसे यही कहना है कि आप मन है एक चीज शिकार मत हो, और शिकार हो तो पुलिस का तुरंत ही तुरंत कर जानकारी दो। ठीक है, आखिरी सवाल योगेश ले कर लेता हूँ मैं। योगेश, अंतरराज्यीय ठग गिरोह के चक्कर में फंसे रहे हो आप, जिला छत्तीसगढ़ की पुलिस पकड़े है, सत्ती की बारादवार की पुलिस हा, तो आप लग का लगते है कि आपके शिकायत के बाद मां कतका जल्दी कार्रवाई हो है, औ आप लोगन लग का संदेश दो ये घटना के बाद में? कार्रवाई होने के बाद तो ज्यादा दिन नहीं लगा, बस 4 से 5 दिन ही लगा, उसके बाद तो गिरफ्तार हो चुका वो था। दूसरे को बस यही बोलना चाहूंगा कि अननोन नंबर से जो फोन आता है उसको जा उठाए ना, और उठा रहे हैं तो उससे बात करें, लेकिन पैसा के मामले में उसको कुछ ना बोले। बिल्कुल। चलो फिर यही कहते थे ना कि हम जब अलहन कुछ हो जाते तहां ले सबक सीखन, ता योगेश भले वो सबक ला सीखे दूसर ला घलो बताते। आज उद्देश्य हमारे यही रही सवे कि एक तो पीड़ित है, दूसर पुलिस है। पुलिस नीरज चंद्राकर जी आप ला बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे है, ता हम भी अपील कर वो सब जन ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ये जो झांसा है ओकर चक्कर में झना हूं, थोकिन दिमाग लगाहू, लालच में बुड़ जाते लोगन, सावधान रहना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे संग गोट बात करे पर। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।